गुड मॉर्निंग डियर दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका के किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और गोभी की सब्ज़ी। आलू गोभी और थोड़े से मटर भी लिए हैं मैंने। इनकी हम ड्राई सब्ज़ी बनाएंगे और टमाटर में बनाएंगे, और कुछ चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ हम दो टमाटर इस्तेमाल करेंगे और बाकी के आलू मैंने कट किए हुए हैं छोटे छोटे, और ये गोभी भी मैंने कट करके रखी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फूल गोभी की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई में तेल ले लिया है मैंने। सबसे पहले फूलगोभी और आलूओं और मटर को हम डीप फ्राई करेंगे, तो तेल थोड़ा ज़्यादा लेंगे इसमें हम। जैसे ही तेल हमारा गर्म होता है, इसमें डालेंगे फूलगोभी। अब इस फूलगोभी में ऐड कर देंगे हम सॉल्ट, और इसे मिक्स करेंगे। इसे हाई फ्लेम पर ही हमें डीप फ्राई करना है। फूल गोभी को आगे पीछे करके इस तरह से घुमाते रहें। इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, डीप फ्राई होने में से 10-15 मिनट आराम से लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं काफी हद तक हमारी गोभी फ्राई हो चुकी है। इसे थोड़ा और फ्राई करेंगे, एकदम क्रिस्पी करके निकालना है इसे। तो गोभी फ्राई हो चुकी है, अब इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, इतना फ्राई करना है इसे। तो फूल गोभी को निकाल लिया है मैंने। अब हम इसमें आलू फ्राई करेंगे। आलू के साथ मैं मटर भी डाल ले रही हूँ। आलू मटर दोनों को हम फ्राई कर लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा नमक जाएगा हमारा, बस इसे मिक्स कर लेंगे। इसे भी हाई फ्लेम पर डीप फ्राई करना है। तो आलू भी हमारे डीप फ्राई हो चुके हैं, मटर भी हमारे इसके नीचे हो चुके हैं डीप फ्राई। अब हम इन्हें इसे निकाल लेते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसमें से वो हम निकाल देंगे। अब ये जो तेल बचाया है हमने, इसमें डालेंगे हम कटी हुई हरी मिर्ची। देंगे हम एक पिसा हुआ टमाटर। इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था मैंने टमाटर में। अब इस टमाटर के अंदर थोड़े से मसाले भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक हम ऐड करेंगे, बाकी का हमने ऐड किया है आलू और गोभी पे। थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ताकि हमारे मसाले भी साथ साथ भुन जाएंगे। इस टमाटर को हम तेल छोड़ने तक भूनेंगे। आप चाहें तो जब मैंने तेल डाला था उसमें आप जीरा मिला सकते हो, अगर आपको जीरा पसंद है तो, लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है। तो फ्रेंड्स, टमाटर हमारा भुन चुका है, आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो रहा है। तो इस स्टेज पर डालेंगे इसमें हमारे फ्राई किए हुए आलू गोभी। अब इसे मिक्स कर देते हैं टमाटर के साथ। तो मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब इसे हम मसालों के साथ 5 मिनट इसे कवर कर देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, आइए देखते हैं। तो हमारे फूलगोभी और आलू की फ्राई सब्जी तैयार है। बस इससे ज़्यादा इसे हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसे मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड, तैयार है हमारी फूलगोभी की सब्जी। इसे मैंने सिर्फ टमाटर में बनाया है। ये ड्राई सब्जी है, आप कहीं भी सफर में लेके जा सकते हो, घर में भी खा सकते हो, चपाती के साथ, चावलों के साथ। तो आइए इसे सर्व करके दिखाती हूँ मैं। इसमें मैंने न लहसुन अदरक डाला है न जीरा डाला है, इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने, और प्याज का भी इस्तेमाल मैंने नहीं किया है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी सर्व हो चुकी है। ये देखिए, इसे मैंने प्लेट में डाल दिया है। इसका कलर कुछ इस तरह से लगता है, खाने में काफ़ी टेस्टी होती है और कम मसालों में बनी हुई। ये सिर्फ टमाटर में बनी हुई आप बना सकते हैं जब आपको ये प्याज वगैरह नहीं खाना हो। तो इसी तरह से आप भी बनाइए फूल गोभी की सब्जी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए कि मैं आपके लिए कौन कौन सी रेसिपियाँ लाऊं। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।